यातायात माह के तहत बृहस्पतिवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला की नेतृत्व में काले ऑटो पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को महद्दीपुर, आरकेबी के अंबेडकर चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर एसपी ट्रैफिक की मौजूदगी में बिना परमिट और गलत तरीके से नंबर प्लेट लगवाए हुए करीब दर्जनों काले ऑटो पर कार्रवाई की गई। साथ ही यातायात पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट और सड़कों पर अतिक्रमण कर रखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि आज करीब 650 से अधिक दोपहिया चार पहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। शहर में जाम की मुख्य वजह यह भी है कि ज़्यादातर लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी शहरवासियों से अपील है कि जब भी अपने वाहन से शहर में आएँ तो सड़कों पर अपने वाहन को ना खड़ा करें। जो पार्किंग स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ पर ही अपने वाहन को खड़ा करें। इससे दो फायदे हैं, एक तो जाम नहीं लगेगा, दूसरा यातायात पुलिस की कार्रवाई से भी बचेंगे। शहरवासियों से भी अपील है कि अपने बच्चों को भी यातायात नियमों की जानकारी खुद दें। आप शहरवासियों के इस सहयोग से आपके परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हमारी जागरूकता ही हमारी सुरक्षा है। वाहन चेकिंग अभियान में TI अख्तियार अहमद अंसारी, TI सुनील सिन्हाल, TSI हरिद्वार सिंह के साथ दर्जनों यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, नहीं चल रहा है सर, ऑफ है सर।
ये रामगढ़ ताल के पास में कुछ मैकेनिक लोग अपने वाहनों को साइड में खड़ा करते हैं और वहाँ पे बनवाते हैं, उसको देखा जा रहा है। इसी तरह से ये आर के बीके के पास में यहाँ पर भी अतिक्रमण था, इसको भी हटाया जा रहा है। दो पहिया वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है, बिना हेलमेट के भी लोगों को देखा जा रहा है, नो पार्किंग के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इसी तरह का अभियान इसमें चलाया जा रहा है। यातायात में चल रहा है, इस समय लोग कितना पालन कर रहे हैं? लोगों को पालन कराया जा रहा है, अभी उतना हैबिचुअल नहीं है नियमों को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जागरूकता चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में प्रवृत्ति इसकी बढ़ती जाएगी। इस समय त्यौहार चल रहे हैं, कभी करवा चौथ बीता है, फिर धनतेरस, दीपावली, इनकी खरीदारी लोग कर रहे हैं, तो मार्केट में लोग वाहन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमने पार्किंग करा रखी है खोल रखी टाउन हॉल पर और चार अन्य जगहों में पार्किंग है। तो लोगों से अपेक्षा की जाती है कि अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करेंगे, सामान अपना परचेज करें, फिर अपना घर को चले जाएँ। तो इस तरह से अगर करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं आएगी।